हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जिसको हम IRFC के नाम से भी जानते हैं। काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये शेयर जब से इसका IPO आया है, क्योंकि शेयर अगर हम देखा जाए तो रेलवे से जुड़ा हुआ है, पूरी रेलवे को फाइनेंस करता है। एक्चुअली देखा जाए तो 40% जो फाइनेंस होती है रेलवे की, वो इसी कंपनी के थ्रू होती है। और शेयर काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है, IPO भी हाल फिलहाल में आया है, और जो फ्यूचर है वो भी इसका अच्छा बताया जा रहा है। वीडियो में एक हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर, और उस फंड रेजिंग में किन किन लोगों ने पैसा लगाया है वो भी जानना यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। 23 रुपए का ये शेयर है और बड़ी खबर निकल कर आई है, इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया है और सस्ते दाम पर, ठीक है, सस्ते ब्याज पर इन्होंने ये पैसा जुटाया है और बॉन्ड इश्यू किया था, और वो इश्यू 6 गुना भर गया। देखिए, IRFC ने बॉन्ड के जरिए जुटाया है 1375 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ इनका बेस प्राइस था, और काफी ज्यादा अगर हम कहें तो रिस्पॉन्स इसको मिला है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बॉन्ड की जो अवधि है वो 20 साल की अवधि है। आप देखिए, IRFC ने बॉन्ड जारी करके 1375 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और शुक्रवार को इस बॉन्ड को जारी किया गया था, और जो अवधि है इस बॉन्ड की वो 20 साल की है, और जो इश्यू है वो भी काफी अच्छा मिला है निवेशकों की तरफ से। 6 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, बेस प्राइस जो थी इसकी वो 500 करोड़ रुपए के आसपास थी, और इस रिस्पॉन्स ने आने वाले समय में इस तरीके सेगमेंट के ब्रांड में नया बेंचमार्क भी स्थापित किया है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ये वो कंपनी है जो सीधे के सीधे तौर पर रेलवे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, देखिए, अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो कंपनी को अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेने की मंजूरी मिली हुई थी। इसके अलावा देखिए तो नए निवेशकों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला हुआ है, और जो जो सबसे बड़ी मुझे बात यहाँ पर लगी वो ये है कि काफी सस्ते प्राइस पे इन्होंने ये जुटाया है, जो फंड किया है वो काफी सस्ते प्राइस पर है। और देखिए ऑफरिंग यहाँ पर क्या है, IRFC ने 6.80% की ऑफरिंग करने वाले लोकल ब्रांडों के माध्यम से 20.1 मतलब 20 साल और 1 महीने की मैच्योरिटी पीरियड के साथ इतना बड़ा पैसा जुटाया हुआ है, और जो मैच्योरिटी है वो 2041 के आसपास की है, और सरकारी पेपर का जो ब्याज है यहाँ पर वो 6.90% का है। तो वाकई में बहुत ही सस्ते दाम पर इन्होंने इतना सारा फंड जुटा लिया है। अब देखो किन्होंने पैसा लगाया है, तो एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर है, आप और हम सब इनको पैसा देते हैं, और वो है हमारा EPF। देखिए, बाजारों की जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े निवेशक EPFO मतलब जो हमारा PF फंड होता है, उन्होंने यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया है, ने प्राइमरी डील का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदा है, सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने खरीदा है प्राइमरी डील का। और यहाँ पर देखिए कि इसी महीने में रिटायर्ड बॉडी EPFO ने प्रोविडेंट फंड जमा करने पर 8.50% रिटर्न देने का भी फैसला किया था। तो हमारे खुद PF फंड ने एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फंड रेजिंग हुई है IRFC की, और मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। 23 रुपए का ये शेयर है, आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद है इस खबर के चलते। एक महीने से शेयर टूट रहा है, 26 रुपए से टूट कर नीचे आया है। इवन अगर हम देखें पिछले 1 साल का डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो जब से IPO आया है, इस साल फरवरी महीने में आया था, 1 फरवरी को, तब से लेकर अब तक 22 रुपए के आसपास का लो है। अभी अगर हम देखें तो अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 22 रुपए 95 पैसे का लो है, और जो हाई है वो 25 रुपए 90 पैसे का हाई इसने बनाया है, और टूट रहा है ये। और वाकई में एक मौका भी है इस लेवल के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। NSE में देखा जाए तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, BSE में अगर हम देखें तो 15 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है, 2.23% की होल्डिंग FIIs के पास है, 2.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है।
यहाँ पर आप देखिए 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 18 एफआईआईएल्स का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.18% के आसपास है और 10% का डिविडेंड भी इसी फरवरी महीने में पे किया है। 1.05 रुपए का डिविडेंड आपको मिला है आईआरएफसी में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आईआरएफसी के द्वारा बड़ी फंड रेजिंग हुई है और इस फंड रेजिंग में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और खुद हमारा पीएफ फंड जो वाले जो है उन्होंने बड़ा हिस्सा यहाँ पर खरीदा हुआ है और वो भी 20 साल की अवधि के लिए। 20 साल की अवधि के लिए आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि जितना पीएफ का 20 साल का पैसा वो नहीं देंगे उससे ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिलने के चांसेस है। तो ये एक सीधा मैट्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज है, टेक्निकल रेटिंग अभी यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि भैया शेयर डाउन ट्रेड में जरूर है, फंड रेजिंग यहाँ पर हो रही है इसमें कोई शक नहीं है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं, 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। और देखिए सबसे बेहतर चीज है कि रेवेन्यू में हमेशा उछाल आया है इसके। 2009 में जहां 830 करोड़ के रेवेन्यू थे आज वो 3640 करोड़ है, बाद में फिर से इंक्रीज ही हुए, 3700 करोड़ हुए, अब सीधा 3932 करोड़ है। तो रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, प्रॉफिट भी आप देखें कि जहां 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है वहां 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही दमदार है और सीधा सीधा ये रेलवे को फिनांस करता है। और रेलवे आने वाले दिनों में हम सब जानते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। हाल फिलहाल में कोरोना के चलते कहीं ना कहीं रेलवे मंदी पड़ी हुई, ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन का काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले दिनों में जैसे कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, याद रखिये रेलवे को आने वाले दिनों में काफी अत्याधुनिक बनाने का काम शुरू होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी बेहतर तरीके से मजबूत होगा और जो जो कंपनियां इस सेक्टर से बिलोंग करती है उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। आईआरएफसी सीधे सीधे तकरीबन 40 से 45% का फंडिंग करती है रेलवे को, जो भी खर्चे आते हैं रेलवे में, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर तगड़ा रहता है और बड़ी फंड रेजिंग इन्होंने हाल फिलहाल में करी हुई है, आने वाले दिनों में और बड़ी फंड रेजिंग ये कंपनी कर सकती है। और कंपनी के ऊपर आप कुछ सोचिए कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा जताया गया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आईआरएफसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो भाई साहब ये इसी तरीके से ट्रेड करेगा, बहुत ही मिनिमम तेजी आएगी, बहुत ही मिनिमम गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि बढ़िया ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि निवेश आप अगर करना चाहो तो तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम यहाँ पर 5-6 साल का हो, 3-4 साल का हो एटलीस्ट, और खरीदारी भी करो तो टुकड़ों में करो ताकि गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाओ। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 खरीदो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में आईआरएफसी में बड़े बड़े निवेशकों की पैसा लगता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद सोचिए कि जहां पर हमारा पीएफ जो ईपीएफ जो है वो यहाँ पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है और सबसे बड़े हिस्सा इन्होंने खरीदा हुआ है हाल फिलहाल में, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा पोटेंशियल इस कंपनी में अभी भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए यहाँ पर, आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ही सस्ते रेट पर इन्होंने पैसा उठाया है मार्केट पर और किसी और वो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उसको हमेशा सस्ते दाम पर पैसा मार्केट से मिल जाता है। ज्यादा ब्याज उन्हीं कंपनियों को चुकाना पड़ता है जिनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होती, जिनको पता है कि जहां पर निवेशकों को पता है कि भाई साहब इनको पैसों की जरूरत है तो अगर हम ज्यादा भी मांगेंगे तो ये लोग दे देंगे। तो उन कंपनियों को दिक्कत आती है जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जहां पर एक आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस प्राइस पे किसने फंडिंग की है, और अगर वो सस्ते प्राइस पर फंडिंग हो गई है मतलब कंपनी स्ट्रांग है, निवेशकों का भरोसा बेहतर है यहाँ पर। आईआरएफसी मेरे हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और काफी बढ़िया शेयर है। कोरोना की वजह से अभी मौका है आपके पास कि रेलवे में और रेलवे के शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट आई है और ये गिरावट थोड़े वक्त तक जारी रह सकती है, तो ये मौका है एक बाइंग का। यहाँ पर बेचने की गलती मत करना, काफी सारे वीडियोज और पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि आईआरएफसी को बेच दो बेच दो, लेकिन मैं कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर।
वक्त लगेगा इसको ग्रो करने में, लेकिन याद रखिए जिस दिन तेजी देखने को मिली तो बहुत ही बढ़िया तेजी यहाँ पर आएगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए ये शेयर तो बेचना नहीं है, और गिरावट में थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। बढ़िया पोटेंशियल है इस कंपनी में और सस्ते दाम पर अवेलेबल भी है। लॉन्ग टर्म में और बड़ी तेजी ये शेयर दिखा सकता है, और मैं हमेशा कहूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।